बच्चों, यह सत्य है तुम लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ाई तुम्हारी बड़े बड़ी रुचि का विषय है, किंतु खेलना पढ़ने से भी कहीं ज्यादा अच्छा लगता है। और जब पढ़ाई खेल से संबंधित हो तब तो कहने क्या है। आज हम तुम लोगों को पढ़ने के साथ साथ खेल की बात करेंगे। तुम्हारी कक्षा में, 8वीं कक्षा में पुस्तक है माई इंग्लिश रीडर, उसमें 50 पृष्ठ खोलिए, तुम्हारा पाठ है द स्विंग, झूला। झूला वास्तव में तुम लोगों को अच्छा लगता है। आज झूले के माध्यम से हम लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी के कुछ नए शब्द पढ़ेंगे, कविता का उच्चारण पढ़ेंगे और उन शब्दों के इस्तेमाल करने के तरीके और झूले पर बच्चों के अनुभव पढ़ेंगे। अब तुम लोग अपनी पुस्तक में 50 पृष्ठ खोलो और पढ़ो। कविता को हम पढ़ते हैं, पहले देखिए कैसे कविता पढ़ेंगे। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू? ओह, आई डू थिंक इट द प्लेजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड, रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन। दीपिका, अब तुम इसका पहला स्टेंजा पढ़ो। How do you like to go up in a swing, up in the air so blue? Oh, I do think it the pleasantest thing ever a child can do. बिल्कुल ठीक पढ़ा। अखिलेश, तुम इसका दूसरा स्टेंजा पढ़ो। Up in the air and over the wall, till I can see so when river and tree and the cattle and all over the countryside. एक बार फिर पढ़िए इसको। Up in the air and over the wall. Up in the air and over the wall till I can see so wide, rivers and trees and cattle and all over the countryside. इस तरह पढ़िए। Up in the air and over the wall till I can see the world. Till I can see the wide, till I can see so wide, rivers and trees and cattle and all over the countryside. Rivers and trees and cattle and all over the countryside. फिर से पढ़िए दो लाइन नीचे की। Rivers and trees and cattles and all and cattles ne cattle cattles and all cattle cattle and all over the countryside. ठीक जितेंद्र, तुम अगला स्टेंजा पढ़ो। Till I look down on the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down. रिद्धि, इसी स्टेंजा को तुम पढ़ो, फिर से सुनिए कैसे पढ़ना है। Till I look down on the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down. स्पीड कम करिए। Till I look down on the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go flying again,
up in the air and down. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down. बिल्कुल ठीक कहा. अब तुम लोग देखो, ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं. पहले स्टेंजा में oh I do think is the pleasantest thing. Pleasantest माने क्या है? सबसे जैसे टाल, टालर, टालेस्ट. टालेस्ट का क्या अर्थ होगा? सबसे ऊंचा. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा. सबसे छोटा. इसी तरह प्लेजेंट, प्लेजेंटर, प्लेजेंटेस्ट. प्लेजेंट सुहावना, प्लेजेंटेस्ट सबसे सुहावना. दूसरा शब्द है वाइट. वाइट का क्या अर्थ है? चौड़ा. चौड़ा, फैला हुआ, विस्तृत. और तीसरा है कैटल. कैटल पशु, जानवर, चौपाया. और अब आगे देखिए कंट्री साइड का क्या अर्थ है रिद्धि? ग्रामीण क्षेत्र, गांव का एरिया, गांव का क्षेत्र. और अगला शब्द है रूफ. रूफ का क्या अर्थ है? छत. छत का जो ऊपरी भाग है वो रूफ है, नीचे वाले भाग को सीलिंग कहते हैं. तो रूफ माने छत. और फ्लाइंग स्पेलिंग क्या है इसकी? FLYING. बिल्कुल ठीक कहा तुमने. फ्लाइंग का अर्थ क्या है? उड़ती हुई. अगला शब्द तुम बताओ जितेंद्र. स्विंग. स्विंग का क्या अर्थ है? स्विंग का मतलब झूला. झूला. और सबसे नीचे शब्द है ब्राउन. ब्राउन का क्या अर्थ है? भूरा. बिल्कुल ठीक कहा तुमने. अब एक बार फिर अपने किताब की ओर देखिए और देखिए हाउ डू यू लाइक टू गो इन अ स्विंग. जब तुम लोग झूला झूलते हो एंड व्हेन द स्विंग गोज अप, जब झूला ऊपर जाता है तो हाउ डू यू लाइक टू गो इन अ स्विंग. झूले में जब बैठते हो और झूला झूलने लगते हो तो तुमको कैसा लगता है? हाउ डू यू फील? तुम्हारा अनुभव कैसा है? अप इन द एयर सो ब्लू. हवा में जाते हैं, झूला बढ़ता है और फिर नीचे आता है, नीले आकाश को देखते हैं, नीचे नीले वायुमंडल को देखते हैं तो इट लुक्स वेरी नाइस. ये बहुत अच्छा लगता है. ओह आई डू थिंक इट द प्लेजेंटेस्ट थिंग. और तब जब हम हवा में झूलते हैं, झूला ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है तो इट इज अ प्लेजेंटेस्ट थिंग. ये सबसे सुहावना लगता है. प्लेजेंटेस्ट थिंग माने इससे सुंदर, इससे सुहावना लगता है, कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती. एवर अ चाइल्ड कैन डू. बड़ों को भले इसमें ना आनंद आए, भले बड़े लोग भले इसमें आनंद का अनुभव न ले सके, उन्हें सुहावना न लगे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जब झूलते हैं तो इससे सुहावना तो दूसरा कोई काम उनके लिए हो ही नहीं सकता. अगले आइए. अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल. व्हेन द स्विंग गोज अप इन द एयर, it goes again and again, it goes up and it comes down. बार बार झूला ऊपर जाता है और झूला नीचे आता है. तो जब जब ऊपर जाता है up in the air and over the wall, जब दीवार से ऊपर चले जाते हैं, हवा में चले जाते हैं तो till I can see so white. दीवार आगे देखने में बाधक, लेकिन जब झूले पर ऊपर जाते हैं तो हमको दीवाल के पार बहुत व्यापक क्षेत्र, सो वाइड
बड़ा विस्तृत बड़ा फैला हुआ क्षेत्र हमको दिखाई पड़ता है. रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल. हम वहां नदियां देखते हैं दीवार से उस पार, वहां पेड़ देखते हैं, बहुत से जानवर देखते हैं और ऑल माने न जाने कितनी चीजें देखते हैं. लगता है सब कुछ ऊपर देखने लगते हैं. ओवर द कंट्री साइड, गांव की ओर जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा का सारा गांव इन पशुओं के अतिरिक्त, इन वृक्षों के अतिरिक्त, इन नदियों के अतिरिक्त गांव का और न जाने कितने कितनी चीजें हमको दिखाई पड़ने लगती है. टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, जब हमारा झूला नीचे आता है. व्हेन आई एम इन द स्विंग एंड आई कम डाउन, जब हम झूले पर नीचे की ओर आने लगते हैं और ऊपर से नीचे आते हुए देखते हैं तो हम देखते हैं डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, भूरी भूरी छतों को देखते हैं. और अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, इसके बाद फिर झूला ऊपर जाता है, हम ऊपर चले जाते हैं. अप इन द एयर एंड डाउन, और फिर नीचे आता है. इस प्रकार अगेन एंड अगेन आई गो अप एंड अगेन एंड अगेन आई कम डाउन डाउन. बार बार हम ऊपर जाते हैं और बार बार हम नीचे आते हैं. अब तुम लोगों ने देखा कि इन कुछ शब्दों को तुम लोगों ने पढ़ा और सीखा है. अब देखिए कुछ शब्द हैं, इनको तुम अपने वाक्यों में तुम्हें इस्तेमाल करना है. पहला शब्द है स्विंग. इस शब्द को अपने वाक्य में इस्तेमाल करो दीपिका, तुम करो. डू यू लाइक स्विंग? डू यू लाइक स्विंग? ये तुम झूला पसंद करते हो, इसी को अंग्रेजी में बोल दो. हम झूला पसंद करते हैं. आई लाइक द स्विंग. बिल्कुल ठीक कहा. गार्डन, रिद्धि इसका प्रयोग करो. हैव यू अ गार्डन इन योर स्कूल? तुम्हारे स्कूल में बगीचा है? yes. तो इसी को वाक्य में बोल दो. बोलो. आई हैव ए गार्डन इन माई स्कूल. तीसरा है कैटल. ये चौपाए ज्यादा कहां पाए जाते हैं? गांव में. ठीक, तो जानवर गांव में चर रहे हैं. कैटल शब्द हमेशा प्लूरल होता है, ये सिंगुलर नहीं होता. इसलिए जब कैटल इस्तेमाल करिए तो इसके साथ वर्ब प्लूरल इस्तेमाल करिए. In the village. चौथा है ब्लू. बोलो. The sky is blue. करेक्ट. पांचवा है ग्रीन. ग्रीन माने हरा. द ग्रास इज ग्रीन. करेक्ट. और अंतिम है अप एंड डाउन. The swing goes up and down again. बच्चों तुम लोगों ने देखा इस प्रकार तुमने स्विंग पोएम पढ़ी, द स्विंग कविता पढ़ी, उसमें आने वाले नए नए शब्दों को पढ़ा,
उन शब्दों के अर्थ पढ़े। कविता के पढ़ते समय कविता के अनुभवों का रस लिया, क्योंकि कविता के उच्चारण में कविता के अनुभव मिलने लगते हैं। और अंत में तुमने कुछ सीखे हुए शब्दों को, पढ़े हुए शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग किया। तुम जानते हो कि अंग्रेजी में कविता के माध्यम से, पाठ के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से और कहानियों के माध्यम से हम नए नए शब्दों को सीखते हैं, उनका प्रयोग सीखते हैं। इस बार तुम लोगों ने कविता के माध्यम से कुछ नए शब्द पढ़े, उनके उच्चारण पढ़े, कविता का उच्चारण और कविता को पढ़ने का तरीका पढ़ा। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो कहानी के माध्यम से अथवा किसी घटना के माध्यम से कुछ नए शब्द, उनके उच्चारण और उनके प्रयोग पढ़ने की कोशिश करें।